बड़ी पार्टियों ने किस किस से कहां उतारा, योगी के खिलाफ कौन कौन मैदान में, देखिए पूरी खबर यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। वही 3 मार्च को 10 जिलों के 57 सीटों पर मतदान होगा। जिन जिलों में मतदान होना है उनमें गोरखपुर, बलिया, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती और अम्बेडकर नगर जिले शामिल हैं। इन जिलों के 57 सीटों पर 676 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि सीधा मुकाबला भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच आई है। जनता इन चारों दलों ने कहां से किस उम्मीदवार को बनाया है, देखिए रिपोर्ट। पहला, 2017 में बलरामपुर जिले के सभी सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। बात करते हैं 2017 अम्बेडकर नगर की, जिले की 5 सीटों में से 3 पर बसपा को जीत मिली थी और 2 सीटों पर भाजपा के खाते में गए थे। वही 2017 में बसपा को टिकट पर जीत, लाला जी वर्मा और राम आचल राजभर इस बार सपा को टिकट पर मैदान में हैं। वही दोनों कभी मायावती के बेहद करीब नेता गिने जाते थे। वही 2017 में सिद्धार्थनगर जिले के 5 सीटों में से 4 पर भाजपा और 1 पर उसके सहयोगी अपने दल के उम्मीदवार जीत मिली थी। वही सिद्धार्थनगर के 51 सीट से इस बार 2 दिग्गज आमने सामने हैं। भाजपा ने योगी सरकार, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र त्रिवेदी मैदान में उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे प्रत्याशी बने हैं। नंबर 4, बस्ती जिले में 5 विधानसभा सीट है, जहां 2017 जिले के सभी सीटों पर भाजपा के खातों में गई थी। वही 5 से 4 सीटों पर भाजपा ने 2017 में जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को फिर से मैदान में उतारा है। हालांकि बात करते हैं संत कबीर नगर जिले की, जिले में 3 विधानसभा सीट है, जहां 2017 जिले के 3 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। वहीं बात करते हैं महाराजगंज जिले की, जहां 5 विधानसभा सीट है, 2017 जिले के 5 से 4 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। नेतनवा सीट पर निर्दलीय अमन मणि त्रिपाठी इस बार बसपा के टिकट पर मैदान में है। वही बात करते हैं कुशीनगर पर, जिले में 7 विधानसभा सीट है, जहां 2017 जिले के 6 विधानसभा सीट पर भाजपा और 1 पर उसके सहयोगी रहे सुबसपा ने जीती थी। वही सुबसपा इस बार चुनाव में सपा के साथ है। वही पड़रुना जीतने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार सपा के टिकट पर फिजाल नगर से मैदान में है। तुम्ही राज सीट के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू चुनाव लड़ रहे हैं। वही बात करते हैं 2017 में गोरखपुर जिले के 9 सीटों में से 8 पर भाजपा को जीत मिली थी। चुनूपुर सीट से बसपा विनय शंकर तिवारी जीते थे। वही विनय शंकर इस बार सपा के टिकट पर मैदान में हैं। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीटी से चुनाव लड़े हैं। वही सीएम योगी के खिलाफ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के मुख्य चंद्रशेखर आजाद ने ताल ठोकी है। गोरखपुर शहर सीट पर कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। बात करते हैं देवरिया जिले में, जहां 7 विधानसभा सीट है और 2017 जिले के 7 सीटों में से 6 पर भाजपा को जीत मिली थी। वही इस पर सपा उम्मीदवार जीतने में सफल रहे थे। जिले के पथरदेव सीट पर से भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही चुनाव लड़ रहे हैं। वही देवरिया सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सलाहकार सलभ मणि त्रिपाठी चुनाव मैदान में है। वही बलिया जिले में बात करते हैं तो 7 विधानसभा सीट वहां भी है और 2017 जिले में के 7 सीटों पर 5 पर भाजपा को जीत मिली थी। वही एक सीट पर बसपा और सपा के उम्मीदवार जीते थे। जिले के फिफेना सीट से योगी सरकार में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। बलिया नगर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जयशंकर सिंह मैदान में उतारा है। वही योगी सरकार से संसदीय कार्य राज्य मंत्री अनंत स्वरूप शुक्ला बैरिया सीट से विधानसभा में 2017 में से भाजपा टिकट पर बैरिया सीट से जीतने वाले सुरेंद्र नाथ सिंह इस बार जीडीयू के टिकट पर मैदान में हैं। देखिए खास रिपोर्ट है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान, मेरा वोट।
मेरी ताकत।